अस्सलाम वालेकुम टू माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ, चिकन पालक की। अच्छा, पालक को मैंने रात में कट कर लिया था, ठीक है, तो ये इसलिए आपको फ्रोज़न दिख रही है, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और जो है चिकन भी फ्रोज़न है, हमारे पास पानी की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो इसलिए हम इसको डिफ्रोज नहीं कर सके। तो यहाँ मैंने अनियन कट कर दिए, ठीक है, इसमें एक मीडियम अनियन जाएगा। इसको हम ऑयल में ऐड करते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, एक मीडियम अनियन को हमने यहाँ ऐड कर दिया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के इर्द गिर्द का कैसा मौसम है, क्या सूरत हाल है गर्मी की। भाई कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसको हम जो है ना डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट पिंक करेंगे। तो बस ये पिंक हो, तो यहाँ पे बेटी के लिए राइस बन रहे हैं, वेजिटेबल राइस, उनका बहुत ज़्यादा दिल था तो बस वो बना रही हूँ। तो मैं ना मोबाइल को एक मिनट स्टैंड पे लगा के आप लोगों को दिखा। अच्छा, इसमें हमने दो पोटैटो भी ले लिए हैं, दरमियाने इस तरह हमने ना इसको इस तरह कट कर लिए, ठीक है, इस शेप में ये पालक लगी हुई है। तो जो है बेटी को पसंद है आलू, तो बस इसलिए ये दो ले लिए हैं मैंने, वरना एक भी बहुत था। अच्छा, हम इस सेम पालक चिकन की रेसिपी को दो तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊँगी। अभी इसमें जो है ना पिंक हो रहा है, यहाँ पे देखें पिंक हो रहा है, बस हल्का सा और टच देंगे तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक, ठीक है, चिकन लहसुन अदरक टमाटर हर चीज़ एक साथ ऐड करके मसाले डाल के हम इसको चढ़ा देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट ने पानी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। दोस्तों आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सही कर दें, बहुत ज़्यादा जो है ना इतने इतने बिल आ रहे हैं, यकीन करें इतने ज़्यादा बिल हैं और फैसिलिटीज़ उस मुताबिक नहीं है, तो बस अल्लाह पाक हम सबके हालों पे रहम करे। तो बस इस थोड़ा सा और ये बेबी पिंक होगा तो इसमें जो है ना हम लहसुन अदरक डाल देंगे। अच्छा, लाइट सा पिंक हुआ है, प्याज तो मैंने चिकन भी डाल दी, फ्रोज़न थी अभी ठीक हो जाएगी। और इसमें एक टेबल स्पून भर के जो है वो लहसुन अदरक का जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको हल्का सा सॉटे करेंगे कि चिकन की हल्की सी एक स्मेल सी होती है वो लहसुन अदरक से हट जाएगी। और हमने यहाँ पे दो ग्रीन चिलीज़ को कट कर लिया था, एक है बड़ी, छोटी है तो दो ले लें, ये भी एक साथ डाल दी, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है चिकन में, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ हमने ना चिकन के साथ ही आलू भी डाल दिए, ताकि ना आलू कभी कभी होता है कि कच्चा रह जाता है, कच्चा मतलब थोड़ा सा हार्ड रह जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसके साथ ही डाल दिए यहाँ पे आलू। अब मैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी ऐड कर दूँगी और ये इसमें हाफ टेबल स्पून जितना, ठीक है, भुना हुआ जीरा भी चला जाएगा और थोड़ा सा इसमें हाफ टेबल स्पून जितना नमक अभी मैं इस वक्त ऐड कर दूंगी, ताकि चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। और अभी हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें ये एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर जो मैंने गोलाई में काटा है इसके निकाल दिए, इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ये बेटे ले जाओ। अब हम इसको जो है ना, ठीक है, 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे और फिर हम इसमें अपने बाकी मसाले डालेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए, हमने इसको हल्की आंच पे रखा था। अब हम इसमें जो है ना यहीं पे लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर, इसको भी जो है ना हल्का सा रोस्ट करके तो फिर पीस करके जो है ना इसको रखा हुआ इसमें, ठीक है, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। काली मिर्च
जो कि हम अपने हर खाने में डालते हैं। इसके फ़ायदे मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बताए हुए हैं। और हल्दी यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेज पे जो है ना, इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट की अच्छे से भून जाएगी। ठीक है, 5 मिनट अच्छे से भून जाएगी तो हम इसमें पालक ऐड कर देंगे और फिर ये चिकन आलू पालक एक साथ गल जाएंगे। प्याज टमाटर का पानी निकलेगा, पालक अपना पानी छोड़ेगी, तो यहाँ पर हम पालक को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी तो ये ऊपर तक भर जाएगा, पर जैसे ही हम इसको कवर कर देंगे ना तो ये नीचे बैठ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा फ्रोजन हो रही है और जम रहे हैं बिल्कुल इससे। यहाँ पे हमने पालक को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी रह गई थी, ये ना असल में फ्रोजन बहुत ज़्यादा है तो ना बहुत ठंडी लग रही है हाथ में, जैसे हाथ जम रहे हों। तो बस ठीक है, अब यहाँ पे ना हम इसकी आंच को कम कर देंगे, मीडियम कर देंगे और फिर 5 मिनट के बाद लो कर देंगे। और ये कवर कर दिया, अब ये थोड़ा सॉफ्ट होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम इसका ना कवर उठा के चेक करेंगे। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और देखें पालक नीचे बैठ गई है। और ये देखें, अगर कैमरा आपको दिखा रहा हो ना इसमें कितना पानी रिलीज़ किया है, तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। ये प्याज टमाटर का अपना पानी, चिकन ने थोड़ा छोड़ा है, पालक ने, ठीक है। अभी भी ये अच्छे से कुक हो रहा है। अब ये कम से कम जो है ना 20 मिनट्स लेगा और इंशाल्लाह 20 मिनट्स में ज़बरदस्त सा कुक हो जाएगा। और फिर हम इसका जो है ना चेक करेंगे कि इसमें हमें कोई मसाले कम है या क्या डालना है, और ये पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगर कुछ ऐड करना होगा और इसको हम डबल रेसिपी के तौर पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। जी तो फ्रेंड्स, मैंने इसका कवर हटाया था, इसमें थोड़ा सा पानी था जैसा कि आपको अभी बबल्स दिख रहे होंगे, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आलू भी डन है, हमारी चिकन भी कुक हो गई है और मुश्किल से 15 मिनट्स लगे हैं। बस ये रेसिपी बहुत डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप इसको नान के साथ खाएँ या बॉयल राइस कर लें, बहुत मज़ा आता है। तो इसको सिर्फ क्या है, इसमें मेहनत है कि जी पालक की कटिंग है, तो आप एक दिन पहले या रात पहले बैठ के, होता है भाई फैमिली में एक दो लोग हैं बातें करते करते कटिंग हो जाती है, पता भी नहीं चलता, तो बस आप इसको कट करके रखें। देखें बिल्कुल हल्का सा पानी बचा है तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो ये हमारी डन है, ठीक है। अब जो मैंने आपको दो बताया था कि एक ही डिशेज से दो रेसिपीज आप रेडी कर सकते हैं, तो वो इस तरह जनाब कि जो है ना आप क्या करेंगे, आप अब इस स्टेज पे इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर को हल्का सा नॉन स्टिक पे फ्राई कर लें ऑयल में, थोड़ा ऑयल लगा कर, डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पे चिकन निकाल देंगे तो पनीर आलू बन जाएगा, पालक पनीर आलू। और दूसरा इसी स्टेज पर सेम मेथड सेम प्रोसीजर होगा, हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे तो हमारी मखनी पालक चिकन के साथ, अगर आप लोगों को पसंद है तो वो मखनी चिकन पालक रेडी हो जाएगी। और अगर चिकन नहीं पसंद, प्लेन आलू में जो वेज होते हैं, वेजिटेरियन पीपल हैं, नॉन वेज नहीं लेते, तो क्या है कि वो चिकन को निकाल देंगे इस रेसिपी से और सेम एज इट इज़ रेसिपी को ट्राई करेंगे। और इसमें एंड में
आप क्रीम डाल देंगे तो वो क्या होगा, हमारी ज़बरदस्ती मखनी पालक आलू रेडी हो जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं एंड में जो है ना, ये अभी दोपहर का असल में वक्त है, 4:30 हो रहे हैं तकरीबन, तो ये रात में 9 बजे तक खाई जाएगी, तो मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, तो आप लोग देखिएगा, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन। यहाँ पे 2 मिनट बस मैं इसको कवर दूँगी। और अच्छा, हमने इसमें एडिशनल कोई मसाला नहीं डाला क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ग्रीन चिलीज डाली थी, उन्होंने बहुत अच्छा फ्लेवर दिया है और बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आ रही है। तो बस यहाँ पे डन है कवर देने के बाद, ठीक है, 2 मिनट बस मैं इसको कवर कर दूँगी और 2 सेकेंड के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तो बस यहाँ पे मेरी प्यारी सी फैमिली के लिए ज़बरदस्ती रोटी और सालन।